क्या आपको पता है कि गेहूं के जितने नुकसान है उससे ज्यादा फायदे गेहूं की ग्रास में है, यानी कि व्हीट ग्रास, जिसको हम गेहूं का ज्वारा भी बोलते हैं। हेलो यूट्यूब फैमिली, मैं कविता शिंगारी आज बताऊंगी कि व्हीट ग्रास के क्या क्या फायदे हैं और उनसे कौन कौन सी बीमारियां ठीक होती हैं। तो दोस्तों, ये देखो मैंने घर पे उगाई है व्हीट ग्रास, कितनी सुंदर लग रही है दिखने में। और अगर हम इसका जूस पिएंगे तो वो हमारे शरीर में क्या बेनिफिट्स देगा हमें, ये आप सोच भी नहीं सकते। इसमें आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अमीनो एसिड, और हम विटामिन्स की बात करें तो इसमें विटामिन ए, सी, ई, के और बी कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये इसमें क्लोरोफिल भरपूर मात्रा में होता है दोस्तों। तो आप तो बखूबी जानते होंगे कि इसमें ये ग्रीन जो जूस होता है इसमें क्लोरोफिल बहुत मात्रा में होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन जो होते हैं टॉक्सिक, उसको ख़त्म करता है और हमारी बॉडी को रिफ्रेशमेंट देता है। व्हीट ग्रास जूस को हम ग्रीन ब्लड भी बोलते हैं, क्योंकि इसको पीने से हमारा हीमोग्लोबिन लेवल इम्प्रूव होता है। व्हीट ग्रास जूस पीने से हमारा एनर्जी लेवल इंक्रीज होता है, और क्योंकि ये हमारे ब्लड को साफ करता है और हमारे ब्लड में जो इम्प्योरिटीज़ और गंदगी होती है, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, वो पसीने के ज़रिए, यूरिन के ज़रिए और स्टूल के ज़रिए निकाल देता है। तो व्हीट ग्रास जूस पीने से हमारा ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रहता है, क्योंकि इसमें ऐसे नेचुरल कंपाउंड्स होते हैं जो इंसुलिन का काम करते हैं। जिन लोगों को गठिया है, बदन में दर्द है, अकड़न है, स्वेलिंग है, जोड़ों में स्वेलिंग है, तो वो उनके लिए तो बहुत ही ये रामबाण औषधि है। तो इसको आप अगर सुबह शाम खाली पेट पियेंगे तो ये बहुत ही जल्दी आपको ठीक करने में मदद करेगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो कैंसर सेल के साथ फाइट करते हैं और कैंसर पेशेंट बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि हमें कितना लेना है और कब लेना है। तो जो जनरल हेल्थ के लिए पीना चाहते हैं वो सुबह खाली पेट 40 ml, अगर शाम को भी पीना चाहते हैं तो खाली पेट ही पीना है 40 ml के करीब करीब। और जो कैंसर पेशेंट हैं, जो पुरानी बीमारी से ग्रस्त हैं, जूझ रहे हैं, उनको हमने 60 ml सुबह खाली पेट और शाम को भी 60 ml देना है। और अगर 10-20 ml ऊपर नीचे हो भी जाता है तो कोई इशू नहीं है। तो अगर आप इसका पूरा रिजल्ट चाहते हैं तो ये जो व्हीट है वो ऑर्गेनिक होनी चाहिए और मिलेट्स डाइट को फॉलो करना पड़ेगा। और आजकल तो पीएम मोदी, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो भी मोटे अनाज को प्रमोट कर रहे हैं कि हमें पुरातन अनाज जो थे हमें उनको खाना चाहिए ताकि हमारी हेल्थ अच्छी रहे। तो अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमारी वेबसाइट पे जाकर आप विजिट कर सकते हैं, जिसका नाम है milletscow.com। उम्मीद करती हूँ कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो तब तक के लिए हम इजाज़त चाहते हैं। नमस्कार।